राज्य स्तरीय इंस्पायर अवार्ड का आयोजन इस बार ऑनलाइन किया जाएगा। पहले ये प्रतियोगिता ऑफलाइन आयोजित की जानी थी, लेकिन प्रदेश में ओमिक्रॉन वायरस का मामला सामने आने के बाद अब इस प्रतियोगिता को ऑनलाइन करवाने का निर्णय लिया गया है। नोडल ऑफिसर की अध्यक्षता में प्रदेश के सभी डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर्स की बैठक वर्चुअल माध्यम से आज आयोजित की गई। बैठक में सभी ने निर्णय लिया कि इंस्पायर अवार्ड की प्रतियोगिता इस बार 17 से 18 जनवरी को ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन आयोजित की जाएगी, क्योंकि ओमिक्रॉन वायरस की एंट्री प्रदेश में हो गई है। आपको बता दें कि इंस्पायर अवार्ड की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता पहले कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन आयोजित करने का निर्णय लिया जा रहा था, जो कि अब ऑनलाइन हो गई। इसमें प्रदेश भर के 54 प्रतिभागी भाग लेंगे। ये जानकारी जिला विज्ञान पर्यवेक्षक सुधीर चंदेल ने दी। अवार्ड का जो स्टेट लेवल का फंक्शन जो है वो पहले तय हुआ था कि वो ऑफलाइन जो है वो होगा, लेकिन ओमिक्रॉन जो नया वायरस जो है आने के कारण जो है आज अपने स्टेट नोडल ऑफिसर के अध्यक्षता में जो है पूरे जो डिस्ट्रिक्ट के DNO थे उनके साथ एक बैठक हुई, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि ओमिक्रॉन वायरस जो है उसको मद्देनज़र रखते हुए अब ये प्रतियोगिता जो है वो ऑनलाइन होगी और ये प्रतियोगिता 17-18 जनवरी को ऑनलाइन माध्यम से ही होगी। ऑनलाइन माध्यम से तो अपने अपने स्थान से ही होगी। पहले ऑफलाइन जो है वो हमीरपुर में कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी में जो है वो तय हुई थी, लेकिन ओमिक्रॉन को वायरस को मद्देनज़र रखते हुए अब ये ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन नहीं होगी।